नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ऑफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पुराना वाटर टैंक निकाल के नया वाटर टैंक कैसे फिक्स करते हैं। तो कौन कौन से टाइप के वाटर टैंक है, कितने लेयर का, कैसा है लीटर वाइज, और उसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, प्लम्बिंग का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये हम आज डिटेल देखेंगे। ये वाटर टैंक का गोडाउन है, इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग कंपनियों के वाटर टैंक्स हैं। अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से कोई 2000 लीटर, 1000 लीटर, 3000 लीटर। ये प्लास्टो कंपनी का वाटर टैंक है, 3 लेयर वाटर टैंक, वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ऐसे 3 लेयर रहते हैं। इसमें आप अलग अलग टाइप के टैंक्स देख सकते हैं, अलग अलग कंपनी के, जैसे आकाश है, उसके बाद में आपका प्लास्टो है, ऐसे अलग अलग कंपनी के वाटर टैंक्स यहाँ दिख रहे हैं। ये गोडाउन में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आता है उसके हिसाब से वाटर टैंक मंगाते हैं। और इसमें कुछ एक्सेसरी है, ये एक्सेसरी आप देख सकते हैं इधर। ये 3000 लीटर का प्लास्टिक का वाटर टैंक है, ये अभी एग्जिस्टिंग वाटर टैंक है जिसको रिप्लेस करना है। ये सूरज के है, इसमें 2000 लीटर का वाटर टैंक है, इसको निकाल के 3000 लीटर का वाटर टैंक इसमें बैठाना है। ये वाटर टैंक निकालने के लिए सबसे पहले इसमें जो भी पानी है वो पहले निकाल के उसको एम्प्टी कराना ज़रूरी है। उसके बाद उसका जो पाइपिंग वगैरह वो सब निकालना है, कनेक्शन निकालना है। इधर आप देख सकते हैं, ये पूरा पाइपिंग वगैरह सब निकाल करके उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन निकाल के फिर इसको शिफ्ट करते हैं। इसमें और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये वाटर टैंक निकालते समय उसका जो कनेक्शन है पुराना पंप का, उसका पाइप सिस्टम का भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। उसको डैमेज ना हो, उसका कुछ प्रॉब्लम ना हो, ये चेक करना भी ज़रूरी है। और ये दोनों वाटर टैंक एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए हैं। ये सामने का पाइप आप देख सकते हैं, ये जो है ये पाइप मोटर को कनेक्ट किया हुआ है। तो ये निपल के आगे से निकालते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक निकालना रहता है। ये पुराने टैंक शिफ्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं इधर, ये पुराने टैंक शिफ्ट करने के बाद में ये पुराने टैंक वहाँ से हटा रहे हैं। इसमें कुछ मटेरियल है लगने वाला, जैसे MTA, FTA, उसके बाद सॉल्यूशन है, इसके बाद वो एल्बोज है, अलग अलग टाइप के पाइप्स है, सॉकेट्स है, ये टेप है, और ये पाइप PVC पाइप है। ये सारा मटेरियल टैंक के जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये टैंक का बेस है, इसको क्लीन कर रहे हैं, क्लीन करने के बाद में उसमें वो नया टैंक बैठा रहे हैं। ये टैंक अभी इधर शिफ्ट कर रहे हैं, ये शिफ्ट करते समय उसको साइड में साथ साथ बैठाना है, और उसका जो कॉक वगैरह उसका कनेक्शन वाला पाइप है ये साइड का टैंक का, वो प्रॉपरली फिट करना है, उसके हिसाब से उसको बैठाना है। ये अभी शिफ्टिंग कर रहे हैं, इधर आप देख सकते हैं। अभी शिफ्टिंग करके ये बैठाने के बाद में इसका पूरा पाइपिंग सिस्टम वगैरह
उसको चेक करके उसको लगाना है। ये 3000 लीटर के वाटर टैंक है, पुराने 2000 लीटर के थे। ये इसमें आप देख सकते हैं ये बॉल कॉक है, ये पुराने का ही है लेकिन ये अच्छा कंडीशन में, इसलिए उसी को यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ उसको पूरा पाइपिंग वगैरह चेक करके उसको वापस यूज़ करते हैं। अभी इसमें पाइपिंग के लिए इसके लिए पूरा होल करते हैं, उसका ड्रिलिंग आप देख सकते हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, पूरा ड्रिलिंग चल रहा है इसमें। ड्रिलिंग करने के बाद में उसका जो ये पाइपिंग का सिस्टम है वो पूरा उसमें फिक्स करते हैं, ये आप देख सक रहे हैं इधर। और ये टैंक को अंदर से क्लीन करना भी ज़रूरी है, ये टैंक में अंदर जाके पूरा क्लीन कर रहे हैं क्योंकि ये पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको अच्छा से प्रॉपर से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं इधर इसका ड्रिलिंग कर रहे हैं। और ये ऊपर का जो लेफ्ट साइड का टैंक है उसको पाइप, पुराने पाइप सिस्टम को कनेक्शन करने के लिए ये ऊपर से कर रहे हैं। और ये नीचे का है, नीचे का टैंक जिसमें वो मेन मोटर को कनेक्ट करते हैं, इसमें फिक्सिंग का देखिए आप, इसमें सॉल्यूशन लगा करके सॉकेट लगा रहे हैं। इसको इस पोजीशन में ये करना है ताकि इसमें लीकेज ना रहे। और ये साइड का पाइप फिट कर रहे हैं, पुराने कनेक्शन और ये नया टैंक का कनेक्शन जोड़ने में थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि उसमें लीकेज जाने के चांसेस रहते हैं। अभी ये साइड का टैंक का ऊपर में पाइप फिक्स कर रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा पाइप फिक्स है। उसमें बाद वो एल्बो लगा करके इसमें पीवीसी पाइप जोड़ रहे हैं उसको टैंक के अंदर छोड़ रहे। ये पूरा पाइपिंग का कनेक्शन होने के बाद में ये पूरा टैंक नेक्स्ट, ये पूरा पाइपिंग का कनेक्शन का काम होने के बाद में नेक्स्ट डे ये पूरा टैंक भरते हैं। और भरने के बाद एक बार चेक करते हैं कि कहीं लीकेज वगैरह है कि नहीं, अगर है तो उसको ठीक करना पड़ता है। ज़्यादातर नया कनेक्शन है तो ज़्यादा लीकेज नहीं होता, लेकिन पुराना और नया कनेक्शन है तो उसमें ध्यान देना पड़ता है। पूरा पाइपिंग उसमें सॉल्यूशन लगा करके उसमें अब पाइप फिक्स कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा पाइप कनेक्शन आप देख सकते हैं इधर, इसमें नीचे का जे आई पाइप है, ऊपर में ये अपना पीवीसी पाइप है। ये सॉल्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूरा दोनों जॉइंट्स को बॉन्डिंग करने का काम करता है। अगर आप देख सकते हैं
हर जॉइंट में वो सॉल्यूशन लगा करके जोड़ा गया है। इसमें देखिए आप पूरा फिटिंग वगैरह सब कर रहे हैं। पूरा कंप्लीट होने के बाद में इसको नेक्स्ट डे पानी भरते हैं, पानी भरने के बाद एक बार चेक करते हैं। बीच का जॉइंट आप देख सकते हैं, थ्री लेयर का टैग किया है। इसमें 10 साल का उसका वारंटी है, प्लास्टो कंपनी का टैग यूज किया गया है। इसी हिसाब से ये टाके बैठा दी गई है, इधर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि ये पुराना वाटर टैंक निकाल के नया वाटर टैंक कैसे बैठाते हैं और इसमें प्लम्बिंग का क्या क्या मेन रिक्वायरमेंट है, ये सब हमने देखा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।